एक क्वेश्चन ये किया गया था कि ये तीजा और चालीसवां का खाना क्या हर शख्स खा सकता है क्या, या फिर ये मखसूस अफराद का हक होता है और हर शख्स खाए तो उसके लिए ये मुजिर होता है उखरवी लिहाज से रूहानी एतबार से। देखिए मसला ये है कि पहले तो समझ लें कि तीजा और चालीसवां है क्या। तीसरे दिन मैयत के ईसाल सवाब के लिए जो नेक आमाल का एहतमाम किया जाता है उसे उर्फ़ आम में तीजा कह देते हैं। फिर दसवें रोज़ या बीसवें रोज़ या चालीसवें रोज़ जो होता है इसी तरतीब से दसवां बीसवां चालीसवां कहलाता है। साल के आखिर में अगर किसी बुज़ुर्ग के ईसाल सवाब का एहतमाम किया जाए उसके लिए मजलिस महफिल हो तो उसको उर्स का नाम दे देते हैं, और आम शख्स के लिए हो तो उसको बरसी कहा जाता है। तो ये दरअसल ईसाल सवाब का एहतमाम किया जाता है उस एतबार से इन दिनों के नाम हो गए हैं। और किसी का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ना होना चाहिए कि तीसरे दिन ही ईसाल सवाब हो सकता है इसके अलावा नहीं। अगर कोई इसको लाजिम मलजूम समझे, क्योंकि ये मुस्तहब है, कोई लाजिम मलजूम नहीं है, मतलब फ़र्ज या वाजिब नहीं है, तो अगर कोई इसको फ़र्ज या वाजिब का दर्जा दे कि ज़रूर ही करना है, ये भी गलत। और अगर कोई कहे कि तीसरे दिन ही करना है या दसवें रोज़, आगे पीछे नहीं हो सकता, ये भी गलत। अगर कोई सिर्फ लोगों की सहूलत और आसानी के लिए दिन मुकरर करके उसमें इसाले थवाब का एहतमाम करे तो शरीयत इसको मना नहीं करती है। जैसे हमारी मसाजिद में जमात के अवकात हम लोगों की आसानी के लिए ही मखसूस करते हैं, मार्केट की मस्जिद में पूरी मार्केट के नमाजियों का ख्याल करके टाइम सेट किया जाता है, और महल्ले की मस्जिद में इसी तरह अहले महल्ला की सहूलत का लिहाज करते हैं। और कोई भी ये नहीं कहता कि आपने जो जमात के वक्त मखसूस किया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मखसूस किया था, ना सहाबे कराम ने, ना इसका हुक्म दिया, तो ये कोई मादल्ला बिदअत सैयाह है, बल्कि हर एक उसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। ऐसी मदारिस के लिए हम वक्त मखसूस करते हैं, कब साल शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ऐसी शादी ब्याह मंगनी वगैरह के लिए तारीखें मखसूस की जाती हैं, दिन मखसूस किए जाते हैं, कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता, इसलिए कि ये लोगों की सहूलत और आसानी के लिए होती हैं, ना कि किसी शय को फ़र्ज़ या वाजिब समझने के लिए। तो अब ये समझ लीजिए कि तीजा और चालीसवें में असल में लोगों को जब दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, तो ये असल में खाने की दावत नहीं है, बल्कि जमा होकर नेक अमल करने की दावत है कि इज्तिमाई तौर पर नेक अमल करेंगे और उसका सवाब मुर्दे को बख्श दिया जाएगा। अब वो नेक अमल मुख्तलिफ होते हैं, कहीं कलीमा पाक पढ़ा जाता है, कहीं दुरूद पाक, कहीं कुरान पढ़ा जाता है, और फिर इज्तिमाई तौर पर ईसाल सवाब का एहतमाम होता है। इसके बाद फिर एक हमारे यहाँ ये उर्फ भी राइज हो चुका है कि कुछ खाने वगैरह का एहतमाम, क्योंकि लोग सुबह आते हैं, जैसे 10-11 बजे आए तो अब 3-4 बजे तक ये एहतमाम ईसाल सवाब का चलता रहता है, तो फिर उनकी आसानी और सहूलत के लिए खाने वगैरह का भी एहतमाम हो जाता है, जिसे कोई भी फ़र्ज़ या वाजिब समझ कर नहीं करता, और करता है तो गलत करता है। यानी फ़र्ज़ वाजिब ना समझें, एक मुस्तहब है, मेहमान आते हैं घर में उनको खिला दिया जाए। तो ये है तीजा, चालीसवां, दसवां, बीसवां या बरसी। अब ये खाना एक के लिए खाना जायज़ है या नहीं, इसमें उसूल ये होता है कि अगर मेज़बान इस बात का सराहतन ऐलान कर दे कि ये मैंने सिर्फ गरीबों के लिए बनाया है, तो फिर तो किसी अमीर को खाना शरण जायज़ नहीं, जिसके बारे में हमारे काबरीन ने फरमाया कि मैयत का खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये इसके बारे में है कि जब मखसूस कर दिया जाए कि ये गरीबों का एहतमाम है, जैसे आप ये देखें कि बहुत से वेलफेयर वाले खाना खिलाते हैं और वो उनका मकसूद ये होता है कि गरीब लोग जो हैं वो आके खाना खाएं, वहाँ अगर कोई अमीर बैठकर जो साहिब सरवत है या गनी है या गैर मोहताज अगर खाना खाएगा, तो वो चूँकि गरीब का हक खा रहा है और गरीब का हक खाने की वजह से लाजिम बात है कि कल पर असर पड़ेगा, इसलिए दिल मुर्दा होने के बारे में कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ जो ये तीजा, चालीसवां, दसवां, बीसवां, बरसी या उर्स होता है, इसमें कहीं भी गरीब की तख़सीस नहीं है। अब ये उर्फ बदल चुका है, बिरादरी के लोग आते हैं, ख़ानदान के लोग आते हैं, अहले महल्ला आते हैं, और बिला तफरीक सब के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा इस खाने को खाकर कोई दिल मुर्दा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उर्फ इस बात की दलील है कि ये खाना हर एक के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसको खाने में शरण कोई हर्ज नहीं है।